दो घंटा घुमाया के बाद में फोन किया। पास काम कर रहा था, उसने नहीं बताया, उसको बताना चाहिए था। कंप्लेंट थाने ले गए थे, वो हमारी बड़ी मुश्किल से कंप्लेंट दर्ज की है, अभी तक हमारी कोई FIR नहीं हुई है और कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसने जबरदस्ती चढ़ाया इनको। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग विकास नगर में मौजूद है और यहां से एक मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो चुकी है। परिवार के तमाम लोग मौजूद है इस वक्त, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कल ऐसा क्या होता है और कहाँ पर उनको ये पूरी घटना घटती है और कहाँ से उनको करंट लगता है। क्या हुआ था सर? इस बच्चे का ताऊ जो बजरंग बिल्डर बारे है, बजरंग है, अरुण है और चार पांच पार्टनर है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं, और इनके यहाँ जो काम होता था कि जो इसका पैसा बनता था वो नहीं देते थे और ये कहते थे कि हम तेरा पैसा जमा कर रहे हैं और इस पैसे को बाद में हम तेरा अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तुझे एक प्लॉट दे देंगे या कोई बिल्डिंग बना के तुझे दे देंगे। और इस झांसे में ये उनके यहाँ पिछले 10-12 साल से काम कर रहा है, इसे एक पैसा नहीं दिया। और जब इसने पैसा मांगा तो कल इन्होंने मतलब उसे बुलाया और बुलाने के लिए जो 11,000 की लाइन आ रही है उसमें एक ट्रांसफार्मर रखा है, उस पर इसे चढ़ा दिया और इन्होंने सिट डाउन नहीं लिया और बिना सिट डाउन के उस पर चढ़ा दिया, जिससे करंट लगने से वो नीचे गिर गया। और नीचे जब गिरा था तो कच्चस्मती लोगों का कहना यह है कि वो जिंदा था, बोल रहा था, परंतु उसका इंतजार करते रहे जब तक किसकी कब होगी। वहाँ डॉक्टर ने बता दिया कि मर गया है, तब किसी थर्ड पर्सन से हमें सूचना दिलाई, बिल्डर ने हमें डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम तो गांव में रहते थे, गांव में जब फोन गया तब पता चला, 12 बजे करीब उन्होंने बताया कि मतलब जो है दिनेश, फिर हम गाड़ी करके तुरंत दिल्ली के लिए चले गए। अच्छा, उसके बाद अभी पुलिस आई? नहीं, पुलिस कोई नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आया था। हम कंप्लेंट थाने ले गए थे, वो हमारी बड़ी मुश्किल से कंप्लेंट दर्ज की है, अभी तक हमारी कोई FIR नहीं हुई है और कोई एक्शन नहीं हुआ है। इनके यहाँ अरुण के यहाँ मैनुअली काम करता था, लेकिन ये जिस साइड पे काम कर रहा था वो बजरंग का प्लॉट बन रहा था, साइट बन रही थी, तो ये कह के ले गए यहाँ से कि मेरे मीटर का तार कट गया है, उसे जोड़ दे। लेकिन वहाँ पे हमें चश्मदीदों ने जो सामने से बताया कि ये प्लास्टर कर रहे थे, उस पर पन्नी लगवा रहे थे, जबकि वहाँ पे 11,000 का वोल्टेज था, उन्होंने जानबूझ के उसको चढ़ा दिया। और ये वहाँ पे शायद वो बता रहे हैं कि ये मालिक वहाँ पे खड़ा था नीचे और उसके बाद ये फरार हो गए। अच्छा, दिनेश जी की पत्नी है आपको, कब पता चलता है आपको ये सब हुआ है? जाके हॉस्पिटल में छोड़ दिया, जाके बताया मुझे, मना कर चली, उसने जबरदस्ती चढ़ाया इनको। 2-3 हजार खर्चे के लिए देता था, कह रहा प्लाट लेके देंगे, इकट्ठा पैसा इकट्ठा, हाँ महीने में बस। घर में रहती है वो, किराए का घर है? हाँ, किराए का है। हमने फोन क्यों नहीं किया हमारे पास? हम सारे लोग पहुँचते 2 मिनट में पहुँच जाते, भाग के जाते, तो पैदल का 5 मिनट का रास्ता था। कहाँ रहता है कुछ पता है आपको प्रॉपर्टी? मैंने दुकान देखी है उसकी, दोनों दुकान देखी है। हाँ। रिद्धि सिद्धि दुकान का नाम है, शोरूम का, एक का अरुण नाम है, एक का बजरंग नाम है और एक आशीष गर्ग रहता है, एक गंगा रहता है, इतने को मैं जानती हूँ। चारों उसी में काम कर देते हैं। हाँ। उस बंदे ने नहीं बताया जिसके पास काम कर रहा था, उसने नहीं बताया, उसको बताना चाहिए था। देखिए जिस तरीके से आपको भी हम दिखा रहे हैं, ये इनके हस्बैंड है जिनकी हो चुकी है, ये देखिए ये पत्नी है, इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल का बच्चा और एक बेटा सामने आपको दिखाई दे रहा है। और आप सोचिए, किराए के मकान में रहते थे, परिवार को प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम अरुण गर्ग बताया जा रहा है, उसमें बजरंग गर्ग और आशीष गर्ग का भी नाम आ रहा है, इन तीनों की प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी, प्रॉपर्टी डीलर थे ये, और इनके ऑफिस में ही दिनेश नाम का व्यक्ति, जो अभी देखिए इस वक्त दिनेश की हो चुकी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरोप साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और परिवार को इस बात की सूचना नहीं दी गई कि आपके पति की हो चुकी है। प्रॉपर्टी डीलर का कोई अता पता है? उसे कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तीन जो नाम बताए जा रहे हैं भाई है, हाँ जी, जहाँ पर 12 साल से लगभग दिनेश काम किया करते थे इलेक्ट्रीशियन का, और उसी ऑफिस में काम करते हुए पास वाले घर में ही खंबे के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया था और जो वायर जा रही थी वो 11,000 वोल्टेज, हाँ जी, नीचे से लाइट भी नहीं कटवाई थी, बिना लाइट कटवाया ऊपर चढ़ा दिया सीधे।
तारीख को, लेकिन हमारे पास थाने से भी मैसेज आता है, 15 तारीख का मैसेज आता है कि 15 तारीख को हमने कम्प्लेन कराई। पुलिस की लापरवाही भी देखिए, साफ तौर पर कम्प्लेन रिसीव जो हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो डेट देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है 15/10/2022 लिखा हुआ है, जबकि कंप्लेंट आपने 16 तारीख को। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है और परिवार साफ तौर पर आरोप लगा रहा है, तीनों प्रॉपर्टी डीलर के जो मालिक है उन पर साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से ही आज इनके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, जिस जो है खम्भे पर चढ़ के उसकी हुई है और जहाँ पर वो उसने डीलर ने उसे चढ़ाया था, आज उस पर एक चिट चिपका दी गई कि इस पर हाई करंट आ रहा है, कृपया न चढ़े। पन्नी चढ़ाना लगा रहे थे उसी समय की बात है। तो आपके सामने देखा? मैं तो यहीं बैठा हुआ था अपने घर का आगे। यहाँ खड़े थे या कैसे? यहाँ वो चढ़ा हुआ था ना पन्नी चढ़ाने के लिए, वो जो पानी तराई करने के लिए, वो बंद करने के लिए पानी न पड़े करंट न आए करके, इतने में उसको करंट आ गई, वो पन्नी जल गई गिर गया। और उनका क्या नाम है जिसका ये मकान है, उसका मुंशी भी था यहाँ। हाँ वो था, उसने तो कंधा दिया था खुद, वो ऊपर से गिरा, उसका कंधा में गिर के नीचे दोनों ही गिर गए थे। इनको अस्पताल जल्दी से नहीं ले गए ये लोग? नहीं ले गए थे, यहाँ से ले गए थे। ठीक है, आपको उसी जगह पे दिखाते हैं जहाँ पर बीते दिन ये घटना होती है। सुबह लगभग 11:30 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है जब वो व्यक्ति जिसका नाम दिनेश बताया जा रहा है, इसी बिल्डिंग, ये जो देखिए आप, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बन रही है बिल्डिंग और यहाँ पर आपको ट्रांसमीटर दिख रहा है। देखिए साफ तौर पर कुछ पन्नी है, यही वो पन्नी है जिसको ये उसके ऊपर ढक रहा था और तभी अचानक से इसी ट्रांसमीटर से करंट लग जाता है। आप सोच सकते हैं ये घर जो बनाया जा रहा है ये बिल्कुल इसके साथ में ही है, ये कितना नुकसान इससे हो सकता है, जो इसमें रहने वाले लोग जो जिस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा था और जब ये पूरी घटना होती है कहीं ना कहीं खतरे का निशान साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक व्यक्ति को जो कि इलेक्ट्रीशियन था और बिल्डर के साथ काम किया करता था उसको चढ़ाया गया, जबकि बिजली विभाग को बुलाया जाना था, उसकी देखरेख में ये काम होना चाहिए था, लेकिन लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब जाकर बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर एक स्टिकर लगाया गया इस घर पर कि अनऑथराइज है, बालकनी एक्स्ट्रा निकाली गई है और साथ में ये मीटर होने की वजह से यहाँ पर स्टिकर लगाया, जो नोटिस है वो चिपकाया गया था, फिलहाल उसको फाड़ दिया गया है। लेकिन उसका कुछ भाग हमारे पास है जिसमें लिखा है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसके लिए एक्शन के लिए भेजा गया है लेटर, कमिश्नर को भेजा गया है, साउथ MCD को, साथ में डिप्टी कमिश्नर को और SDM को, SHO को और इलेक्ट्रिक जो इंस्पेक्टर है उनको भी भेजा गया है। ये नोटिस अब जाकर भेजा गया है जब एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब देखिए इस इलाके में बहुत सारी जगह है जहां पर 11,000 वोल्ट की इसी तरीके से ट्रांसमीटर जा रहा है और इसमें से इतना ज़्यादा करंट जाता है और आप देखिए ये तार जो है, बहुत सारी तार है जिसके ऊपर जो कवर है वो नहीं लगाया गया है। तो लापरवाही साफ तौर पर आप देख सकते हैं, BSES की भी लापरवाही है, बिजली विभाग की साफ तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही है कि इलाके में इतने बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगाया गया है लेकिन उसको कवर नहीं किया गया है और जब आसपास के लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम, अपना घर का निर्माण करते हैं तो ये पूरा पोल जो है वो बीच में आता है। लेकिन इस घर को आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा छज्जा भी है, काफी ज्यादा निकाला गया है। देखिए इस इलाके में पूरी तरफ देखेंगे तो हर किसी के घर के बाहर ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं। इलाके के SHO को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, साथ में बिजली विभाग को होनी चाहिए, कमिश्नर को होनी चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को होनी चाहिए। देखिए आपको दिखाते हैं, हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर प्रॉपर्टी डीलर का ये शॉप है। ये देखिए रिद्धि सिद्धि के नाम से यहाँ पर ही प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस था और इसके अंदर काम किया जाता था और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोर है जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, मतलब अंदर घर है और आगे की तरफ ऑफिस खोला गया था। इसको वहाँ लेकर गए थे, हाँ वहाँ बुलाया गया था। अभी ये तीनों कहाँ है कुछ पता है? कुछ नहीं पता है, कल से ताला लगा हुआ है। तो पुलिस को आप लोगों ने कंप्लेंट तो करी होगी कि इनको छोड़ा जाए? कंप्लेंट करी, कोई कंप्लेंट नहीं है अभी, कोई आया नहीं है अभी, ना घटना स्थल पे कोई आया है ना घर पे कोई गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए MCD के अधिकारियों के खिलाफ भी, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी, कमिश्नर के खिलाफ भी और साथ में BSES के जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कि किसने उनको परमिशन दी कि जो ये खंभे लगाए गए हैं उसके साथ साथ में घर बनाने की इनको परमिशन कहाँ से मिलती है, कहाँ से परमिशन लाते हैं। और एक तो पहली बात ये है कि जनता से पैसे ले लेते हैं, उनको खतरे में डालकर उनको घर बनाने की परमिशन दे देते हैं और कहीं ना कहीं जनता खतरे में होकर अपना घर बनाती है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके शिकार हो जाते हैं और कुछ इसी तरीके से दिनेश के साथ भी हुआ। इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि इस परिवार को इंसाफ मिले, इतने सारे लोग हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या उन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी
जो ज्यादा से ज्यादा रिश्वत लेकर इन घरों को बनाने की परमिशन देते जा रहे हैं और ये घर बनते जा रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और परिवार को इंसाफ मिले, हमारी यही गुजारिश है। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।